पहाड़ का नहीं सेट रखा था केटी के पहाड़ का? यहाँ आते आते तो चक्कर ही आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, आई लाइक इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ओह माय गॉड, ठीक है, कोई मसला वगैरह तो नहीं? ठीक है, हाँ अभी तक तो ठीक है। हवाशवा आ रही है पूरी? सांस वगैरह लिया जरा? ऑक्सीजन का कोई इश्यू तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, वरना हमारे पास ऑक्सीजन का बंदोबस्त है। अच्छा, आपकी शक्ल देख के लग रहा है आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। होगी चलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका वो शेख कासिम और आपको वेलकम करता हूं मेहमान कदरदान में। हमारे साथ जो आज हस्ती मौजूद हैं उनको कौन नहीं जानता, मॉडल, एक्ट्रेस, टीवी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आमना शेख। आपको मेरा नाम नहीं पता? क्या नाम है आपका? पहले नाम पता कर लेना था ना आपने मेरा। अच्छा, यहाँ पे दो स्क्रिप्ट हैं, एक आमना शेख और एक जारा शेख, इनमें से कौन सी हैं आप? लेकिन मैंने शो स्टार्ट करना। अगर मैं आपको ये कहूँ मैं दोनों ही नहीं हूँ फिर? दोनों ही नहीं है, दोनों में से एक तो होनी चाहिए आप। तुमको बताया नहीं था किसी ने ये क्या करने जा रहे हैं? कोई तो शेफ होंगी आप इन दोनों शेफों में? शेफ तो मैं हूँ, अब गेस करें आप में कौन सी हो सकती है। आप खुद बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सारा शेख, ठीक है ठीक है। जैसे मैं भी शेख हूँ, शेख कासिम। जरूरत नहीं आपका नाम जानने की। नहीं नहीं, सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत मशहूर होस्ट हूँ। फेसबुक में मेरे 1.5 लाख फैंस हैं। आपके कितने फैंस हैं? होंगे दुनिया में काफी होंगे। दुनिया में नहीं, फेसबुक पे। फेसबुक में ज्यादा यूज नहीं करती। मगर आपका फैन पेज बना हुआ है, वो कौन यूज करता है? काफी लोग हैं जो दे आर रनिंग डिफरेंट पेजेस। यानी आपका अपना ऑफिशियल पेज नहीं है? नो। ठीक ठीक ठीक, शो स्टार्ट करें अपना। अच्छा अभी स्टार्ट नहीं है शो? नहीं अभी नहीं स्टार्ट करें, सवालों से स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा, डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट लिखा हुआ है। एक साइट पे लिखा हुआ था आप लाहौर में पैदा हुई, एक साइट पे लिखा हुआ था आप कराची में पैदा हुई हैं, तो कौन सी सही है? एक्चुअली आई बॉर्न इन लाहौर, मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ, और ये कराची वाली जो मिस्टेक है, आई डोंट नो कि किसने ये मिस्टेक की। अगर आप लाहौर में पैदा हुई है तो उधर डेट लिखी हुई है आपकी बर्थ डेट 1978, क्या ये सही है? आईडी कार्ड में हुआ कि फिर मुझे पता चलेगा, मुझे याद नहीं रहती है। आपको याद नहीं अपनी बर्थ? एग्जैक्टली याद नहीं है। डेट तो याद है आपको? वो भी याद नहीं है। तो आप सालगिरह कैसे मनाती हैं? घर वाले जब बता देते हैं। घर वाले बता देते हैं, आप उस दिन सालगिरह में मना लेते हैं। अच्छा, फिल्म का आपने स्टार्ट किया था, पहले आपने मॉडलिंग की थी, कितने अरसे की थी फिल्म से पहले? मैंने एक्चुअली 13 साल की उम्र से ही काम शुरू कर दिया। अच्छा, इतनी छोटी उम्र से? ये बहुत कम लोगों को पता है, और मैंने कुछ कमर्शियल्स किए थे उसके बाद। तो काफी देर पहले की बात है, बीच उस टाइम लाइक नाइट काम होता था। हाँ, एग्जाम आ गए, उसके बाद फिर मैंने एक दो और कमर्शियल्स किए, फिर मैं स्टडी में चली गई। उसके बाद फिर मैंने खावर भाई को उन्होंने फिर मुझे लॉन्च किया, कहीं देख लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद आपने फिल्म की जिसका नाम था मैं तेरे प्यार में, हसन अस्करी की फिल्म, जो कि सुपर डुपर हिट हुई। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था मैंने ये फिल्म देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म देखने गया था, फिल्म स्कूल में पढ़ता था, मैं भी बहुत छोटी सी थी जब मैंने वो फिल्म की थी। एक्चुअली आप 13 साल की थी? इतनी छोटी भी नहीं थी। अच्छा, मगर 13 साल का बच्चा जो होता है उसकी एक्टिंग में और एक मैच्योर लड़की की एक्टिंग में फर्क है, फर्क होता है। वैसे वो जो थी फिल्म, वो उस फिल्म के बाद हर एक की जुबान पे जारा शेख का ही नाम था। जारा शेख, हर एक्ट्रेस जो फिल्म की थी उनका तब जारा शेख आ गई हमारी बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, मगर आगे ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए कि मैंने छुट्टी करवाई नहीं ना किसी की, वरना यहाँ तो नहीं, आपकी खुद उसके बाद ऑफ हो गई थी। लेकिन मैं अपने काम से काम मैंने हमेशा रखा, मैं हमेशा फोकस्ड रही, और ना कभी किसी की मैंने परवाह की। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं मेरे हवाले से, ज्यादा देर नजर नहीं आती तो कभी मुझ पे शादी का इल्जाम लग जाता है, कभी
बोलते हैं कि जारा ने शोबिज छोड़ दी है, यानी इसका जबकि वो लोग ये नहीं सोचते कि जारा जैसा काम करती आई है, जैसा कर रही है और जैसा काम करना चाहती वो तो काम ही नहीं हो रहा ना, तो क्या करें? कैसा काम करना चाह रही? ऑफकोर्स मेरा, अगर आप स्टार्टिंग में मेरी बिगनिंग में मेरी चीजें देखें, आप मेरी कैंपेन्स देखें, मेरी फिल्में देखें, मेरी फिल्मों के सब्जेक्ट्स देखें आप, तो यू विल कम टू नो दैट हमेशा से ये लड़की यूनिक काम ढूंढती रही है और करती रही है। अच्छा, आपको कभी टीवी के लिए ऑफर भी नहीं हुई? बहुत मुझे ऑफर्स होती है। आपने क्यों नहीं काम किया ड्रामा में? कुछ कंडीशंस टर्म्स पे मेरी कुछ मेरी अपनी भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। और आप ड्रामे नहीं करती? ड्रामा के अच्छा मिलेगा तो मैं करूँगी, यानी अच्छे ड्रामे आजकल नहीं बन रहे। नहीं, मुझे मैं चाहती हूँ कि टीवी पे जब भी मैं काम करूँ कोई ऐसा मैं ऐसा यादगार कैरेक्टर करूँ जो लोगों को याद रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने काफी फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, एक बंदे के साथ आप एक फिल्म करते हैं उसके बाद दोबारा नहीं करती, इसकी क्या वजह? नहीं, तो आप दोबारा अपनी फिल्म में नहीं कास्ट करते? तो मैं आपको एक हकीकत बताऊं, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मैं मानती हूँ हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला अच्छा ही रखे, मैंने अपने कोलीग्स को हमेशा दुआ दी है, वेलकम किया है, जहाँ मुझे प्यार से मिले मिली हूँ, मैंने डायरेक्टर्स को हमेशा रिस्पेक्ट दी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा, हल्का सा मुझे फीलिंग आई है कि यहाँ पे जो लोग बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़रा जरूरत से ज्यादा प्यार मिल जाता है जो संभाला नहीं जाता। तो कुछ मैंने हालात देखे इंडस्ट्री के, ये बाद में डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे ज्यादा काम ना ही करूँ तो बेहतर है, और जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। Right hand आपके बाल बहुत अच्छे हैं वैसे। तो मेरे अपने हैं। मगर ये बात नहीं मानते आपके, एक जगह टिकते नहीं। ऑब्वियसली बाल है, मूव करते हुए इधर उधर हो जाते हैं।